अभी तक मैं 1150 का काम कर चुका हूँ। बताया मैंने कहा मैं 2057 के गेट पे खड़ा हूँ, तो ये पार्सल भाई हमारे को मिल गया। ये पार्सल आनंद विहार की एक ट्रिप एक्सेप्ट कर ली मैंने पोर्टर पर, और सेक्टर 44 से। लो जी फोन भी आ गया कस्टमर का। हेलो हेलो, हाँ जी भैया, वो बुक करे पोर्टर के लिए तो वो B157 नंबर में आना है आपको ना, 44 सेक्टर में। B157 हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, टावर नहीं है वो, 44 सेक्टर है, गेट नंबर 1 से आना होगा। तो भाई पोर्टर की ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है मैंने, और एक रैपिडो की ट्रिप कंप्लीट करी है मैंने अभी महामाया फ्लावर पर। जाते हैं यार पिकअप ले लेते हैं भाई। देखो काम तो यार करना ही है हमें। देखो ये रिक्शा, ये इसमें स्कूटर फिट कर रखा है इन्होंने, और दबा के इसमें लोड भर रखा है। देखो मतलब कि यार हद होती है यार। अब बताओ हम ही लोग बाइक वाले ये सिर्फ जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इनके स्कूटर का कोई ठिकाना नहीं है, पोल्यूशन कुछ नंबर तक नहीं है स्कूटर का, और जबकि एक जो गाड़ी इन्होंने बना रखी है इसका कोई भाई बाप नहीं है यार। तो और जबकि यार तुम्हें पता है कि भाई जैसे ये इको वाले हैं, ये प्राइवेट नंबर पे स्कूल के बच्चों को दबा के भरते हैं भाई। बाइक वालों को क्या पीछे पड़ी हुई है गवर्नमेंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। और चलो मानते हैं यार अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको एप्लीमेंट करके जो है इसको दोबारा से दुरुस्त करके काम स्टार्ट किया जाए ना। पार्सल लेने जाना, पार्सल लेने हाउस नंबर भैया जी मैं पूछ लेता हूँ, मेरे को ध्यान अभी बताया था उन्होंने, पर 35B है। 35B बिग बास्केट वाले जा रहे हैं सामान देने के लिए किसी कस्टमर का होगा। बिग बास्केट वाले जो बाइक चला रहे हैं ये भी तो कमर्शियल एक्टिविटी है। अगर बात कमर्शियल एक्टिविटी की करोगे तो यार हम ही हैं क्या? सिर्फ बिग बास्केट हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, कितनी सारी कंपनी है, डिलीवरी हो गया, ये सारे भी तो कमर्शियल एक्टिविटी है। इनके ऊपर भी कार्रवाई करो। बाइक टैक्सी वाले को इसमें लिखा हुआ थोड़ी है, उसमें जो नोटिफिकेशन जो जारी किया है गवर्नमेंट ने उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है ओला उबर रैपिडो बैन है या पोर्टर बैन है, बोर्जो बैन है, अंकल डिलीवरी बैन है, अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो डिलीवरी, किसी का भी नाम थोड़ी लिखा है उसमें। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कोई भी प्राइवेट बाइक पर कमर्शियल एक्टिविटी करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा मैं 2057 के गेट पर खड़ा हूँ, तो ये पार्सल भाई हमारे को मिल गया। ये पार्सल है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पार्सल लेके। मैडम ने कैश दे दिए हैं, कैश डाल लेते हैं अपने पॉकेट के अंदर। मेरी कस्टमर से बात हुई थी, रिकॉर्डिंग भी रखी हुई मेरी उनके पास, तो इसलिए तो मैंने कहा था, मैंने कहा ना तो हमारे को परेशान होने की जरूरत है ना आपको, तो समय आएगा अपना पता चल जाएगा। चलो ये ले लिया पार्सल हमने, डाल दिया इसके अंदर, छोटा सा ही पार्सल है आनंद विहार का। बाकी आनंद विहार जो है खतरनाक जगह है भाई, आनंद विहार बॉर्डर पड़ जाता है, 5 नंबर वाले भी वहाँ खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर सवारी वगैरह अगर लो तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेना भाई। बाकी 17 किलोमीटर की ट्रिप है, 200 रुपये हमारे को कस्टमर से कैश मिल गए हैं भाई। यहाँ के कुत्ते पीछे पड़ रहे हैं, मुझे जोमेटो की रात याद आ गई। और भाई सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए गेट नंबर 1 पे जाना पड़ेगा, यहाँ गेट ही पता नहीं कितने सारे हैं। देखो मेंढक सो रहा आराम से यहाँ पे, ये देखो हेलमेट लेके घूम रहे हैं, इनके पास कोई बुकिंग आई होगी। अब 1 नंबर गेट मिला भाई का, 3-3 गेटों पे घूम लिया, 4 किलोमीटर तो फालतू का वैसे घूम लिया, बोला क्या फ़ायदा हुआ 17 किलोमीटर की ट्रिप के 200 दिखाए, 30 रुपये, 3 किलोमीटर वैसे घुमा दिया सोसाइटी के अंदर ही। और चलो फिर भी यार ये तो चलो पोर्टर जैसी कंपनी है, सोचो अगर जोमेटो होता तो क्या होता, सोसाइटी के अंदर ही 3-3 किलोमीटर घूम लेता आदमी, और कंपनी दिखाती है 1.5 किलोमीटर की ट्रिप, और जब आदमी पूरी ट्रिप कंप्लीट करता तब तक देखता 7-8 किलोमीटर वो बाइक चला चुका। उस्ताद बाइक टैक्सी बैन कर दी गवर्नमेंट ने, पता है आपको? हाँ बाइक टैक्सी बंद कर दी ये सोमवार से, 20 तारीख से बंद है, बाइक नहीं चल रही अब। वो गैर कानूनी है ना, प्राइवेट नंबर पे चला रहे हैं लोग, तो इसलिए बंद कर दिया। हाँ
अब ऑटो चलेंगे थ्री व्हीलर और वो तो आपको काम बढ़ेगा या कि नहीं बढ़ेगा आपका काम? काम बढ़ेगा मतलब कि आपको क्या लग रहा है कि ठीक किया गवर्नमेंट ने अगर बंद किया तो? सब अपने अपने पेट के लिए करते हैं, जिसके नसीब में होगा वो आएगा आएगा है। देखो यार कितनी बढ़िया बात, इनकी सोच को मैं सलाम कहता हूँ भाई साहब। भाई कह रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने नसीब का कमाता है, सब अपने अपने नसीब का करता है भाई। तो इतनी अच्छी सोच और समझ वाले लोग भी हैं, सबको पता है यार इंसान अपने नसीब का कमाता है यार। और फिर बाइक वाला सिंगल सवारी ले जाएगा तो ले जाएगा यार, जो तीन सवारी होगी वो ऑटो बुक करेगा, जिसके पास चार सवारी है वो गाड़ी बुक करेगा, जिसके पास छः सवारी है वो छः सवारी वाली गाड़ी बुक करेगा। और चलने को तो यार इको वगैरह नहीं चल रही है, आप किसी भी हाईवे पे चले जाओ भाई साहब, किसी भी हाईवे पे, किसी भी बॉर्डर पे, वहाँ से आप देखो दबा के ठोक के भरते हैं सवारियाँ, ये आठ आठ दस दस बारह बारह सवारियाँ भरते हैं लॉन्ग रूट पे, हाईवे पे खूब दबा के डेढ़ डेढ़ सौ रुपये किराया, सौ सौ रुपये किराए के हिसाब से ये लोग दिन भर में आठ आठ दस दस चक्कर मारते हैं। नहीं विश्वास है तो चले जाओ धोला कुआं गुड़गावा, वहाँ से आपको धारोवेड़ा और आपको भैरोड दूर दूर की सवारियाँ मिलती है। आप एक काम करो, बदरपुर वाले मेट्रो, बदरपुर वाला जो बॉर्डर है वहाँ चले जाओ, वहाँ पर आपको प्राइवेट गाड़ियाँ मिलेंगी जो दबा के सवारियाँ भरती हैं, पलवल मथुरा की सवारियाँ भरती हैं। किसी भी आप हाईवे पर चले जाओ, आपको प्राइवेट गाड़ियों में दबा के जो है लोग सवारियाँ भरते हैं। तो भाई देखो कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। ये उनका पार्सल है, ठीक है, वो मैडम का ही है ना, तो मैडम मैंने दे दिया है, ठीक है, ओके थैंक यू मैम। दे दिया भाई पार्सल हमने, पैसे हमारे को वहीं से मिल गए थे है ना, तो 200 रुपए की हो गई, इसको कर देते हैं क्लियर। देखो भाई ऐसा है क्योंकि ना अभी जो चल रहा है फरवरी मार्च का महीना, कैश कलेक्टेड ये साइन हो गया, फरवरी मार्च का महीना होता है क्लोजिंग का टाइम। क्लोजिंग के टाइम में क्या होता है, जो अधिकारी कर्मचारियाँ होते हैं ना, ये लोग जानबूझ के कभी पान मसाले को बैन कर देते हैं, कभी किसी चीज़ को बैन कर देते हैं, ये टारगेट पूरा करने का इनका तरीका होता है। कई बार क्या होता है, ये कंपनियाँ जो होती हैं ना टैक्स नहीं पे करती टाइम पर, टैक्स पे नहीं करती हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जानबूझ के इनके साथ इस तरीके की समस्या डाल देती हैं, ताकि जो है इनके अंदर जितनी भी कंपनियाँ हैं जो इनके अंदर अकड़ आ रखी है ना, वो सारी अकड़ ख़त्म हो जाती है। फिर जैसे ही इनको बैन किया जाता है तो वो सारा पूरा पेंडिंग, जितना भी पेंडिंग होगा ना इनका पैसा लेना, वो सारा का सारा इकट्ठा इनको जो है मिल जाता। तो गवर्नमेंट को जो है इस टाइम पैसों की ज़रूरत होती है क्लोजिंग के टाइम पर, बाकी ये बैन शैन ये सब चलता रहता है दिल्ली एनसीआर में, ये सब आम बात है, चीज़ें बैन होंगी फिर खुलेंगी, ना जाने पान मसाले कितनी बार बैन हुए हैं, कितनी बार खुले हैं। पहले गुटखे के नाम से बिकते थे, गवर्नमेंट ने गुटखा बैन कर दिया तो गुटखे को पान मसाले का नाम दे दिया और अलग से जर्दा दे दिया। अब पहले मिलाना नहीं पड़ता था, अब उसको मिला कर खा लो, तो वही वाली चीज़ है भाई, चलता रहता है ये सब, ध्यान टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। नोएडा फेस टू में आ गया भाई, पोटरा का आनंद विहार से लेके। तो भाई आज जो है मैडम ये खड़ा करने की दवा बेच रहे हैं, अंकल जी थे हमारे वो खड़े नहीं हो पाते थे, इनसे तेल लेके खड़ा होने लग गए वो। अभी किसी ने पोर्टर पर 3600 रुपए की राइड डाली थी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, चार पांच स्टॉप डाल रखे थे टाइमर चलाने के लिए जानबूझ के। तो यार हरकतें भी करते हैं राइडर, किसी ने कस्टमर की ऐप डाउनलोड कर रखी होगी टाइमर चलवाने के लिए, 3600 रुपए की राइड डाल दी, 3600 भाई साहब 350 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी पड़ती। मैंने कहा यार आज बढ़िया है कर लूँगा। तो भाई देखो ये है कि दिल्ली में जैसे बैन है, ठीक है, अब यहाँ पर नोएडा में मैं देख रहा हूँ जरा भी असर नहीं है इस बात का। काफ़ी सारे राइडर हैं नोएडा में काम कर रहे हैं, गुड़गांव में काम कर रहे हैं, फरीदाबाद में काम कर रहे हैं, दिल्ली में इन्फोर्समेंट वाले हैं वो अगर पकड़ लेंगे तो फिर वो चलान कानून वगैरह दर लगा देंगे। तो देखो भाई काम करने वाला आदमी सावधानी से काम करता है। तो मैं नीलम चौक पर हूँ फरीदाबाद में, और मैंने टोटल जो अभी तक का काम किया है, मैं अगर आपको अपने काम की बताऊँ तो मैंने पोर्टर के साथ किया अभी तक 598 रुपये का काम किया मैंने पोर्टर के साथ, और अगर उबर की बात की जाए तो मैंने 321 रुपये का काम किया है उबर के साथ,
रैपिडो की बात करूं तो मैंने रैपिडो के साथ किया अभी तक 251 रुपए का काम, तो यानी कि यार ये जो हमारा काम है ये लगभग लगभग 1150 रुपए का काम है। अभी तक मैं 1150 का काम कर चुका हूं, और एक चीज ये है कि मैंने जो टोटल काम किया है ना ये सारा का सारा नोएडा और फरीदाबाद के अंदर किया है, मैं दिल्ली के अंदर जानबूझ के भटका ही नहीं। हालांकि मैं खाली गया हूँ घर से नोएडा पहले काम करने के लिए, नोएडा में मैंने दबा के काम किया, लास्ट वाली जो ट्रिप मैंने नोएडा से ली सीधा फरीदाबाद की। और देखो भाई काम तो करना पड़ेगा, बाकी ये अपना बच पे काम करो, घर में बैठने से नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे वापसी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ वैसे तो, पर ये है कि अभी भी मैं घर से लगभग 16 किलोमीटर दूर हूँ, तो मेरे को अगर ट्रिप मिलेगी तो मैं ज़रूर लूँगा। बाकी मैं पहले यहाँ से लोकेशन लगा के देखता हूँ तो कितना किलोमीटर दिखा रहा है मेरे को घर यहाँ से। और ये वाली जो ट्रिप मिली है बड़ी शानदार मिली, 15 किलोमीटर शो कर रहा है। मैं शाम को जानबूझ के फरीदाबाद का लिया है क्योंकि यहाँ पर मेरे को काम नहीं भी मिलेगा तो भी जाम नहीं झेलना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर 15 किलोमीटर दूर हूँ, घर जाऊँगा तो यहाँ से 30 मिनट दिखा रहा है। अगर यही 15 किलोमीटर मैं नोएडा में होता ना तो इसी में कम से कम 52 मिनट दिखाता, क्योंकि वहाँ पर कालिंदी कुंज वगैरह का जाम मिल जाता मुझे, पर यहाँ पर फालतू का जाम नहीं मिलेगा मेरे को। अब एक बार हाईवे पर पहुँचने की देरी है मेरे को। अर्निंग में आपको बता ही चुका हूँ, ये वीडियो यार यहाँ तक ही थी यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।